तो बात करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। ये अगला टॉपिक है हमारा। इस वीडियो में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में, यानी कि देखेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती क्या है। तो हमारे पास जो हमारा कोर्स है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, सिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन है किसी भी मैट्रिक्स के लिए। अगर बात करूँ तो वैसे तो है बेसिक से थ्री, क्योंकि थ्री जो ऑपरेशन लगेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगेंगे किसी भी मैट्रिक्स में, किस तरीके से लगेंगे अभी बात करते हैं। तो तीन जो लगेंगे वो क्या लगेंगे, रो के लिए होता है, और ऐसा ही सिमिलर केस किसके लिए जाता है, कॉलम के लिए लिया जाता है। तो 3 + 3 कितना बन जाता है, सिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। अगर हम सिर्फ रो के लिए सीख लें, यानी कि सिर्फ तीन बेसिक से हम क्या कर लें, ऑपरेशन कर लें, तो कॉलम के लिए भी वही सेम चीज़ होती है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले जो ऑपरेशन होता है किसी भी मैट्रिक्स में जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो देखते हैं क्या है कि इंटरचेंज ऑफ एनी रो एंड कॉलम। या फिर मैं यूं कहूं, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज एंड कॉलम, टू रोज एंड कॉलम्स। कहने का मतलब है, पहले थोड़ी देर के लिए कॉलम को हटा देते हैं, सिर्फ इतना पढ़ते हैं क्या, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, यानी कि कोई अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि दो रोज को मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरचेंज कर सकता हूँ। सिर्फ अभी पहले रो की बात करते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 1 9 0, ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना, 3। तो मैंने क्या कहा, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, यानी कि दो रो के हम क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर मैं इस 1 2 3 को नीचे ले आऊँ, यानी कि 4 5 6 की जगह पे ले आऊँ, और 4 5 6 को क्या करूँ, ऊपर ले जाऊँ, यानी कि कहाँ पे, 1 2 3 की जगह पे। ऐसा हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब वो कैसे करना है और किस तरीके से हम डिनोट करेंगे वो देखते हैं। मैंने क्या बोला, सिर्फ अभी पहले रो की बात कर रहे हैं, रो की बात कर रहे हैं। तो क्या किया मैंने, ये मेरे पास क्या थी, पहली रो थी, ये 1 रो, ये 2 रो, ये 3 रो, 3 रो है। मैंने क्या बोला, इस पहली रो को दूसरी रो में ले आओ, और दूसरी रो को क्या ले आओ, पहली रो में पोजिशन में ले आओ। तो क्या किया, रो का इंटरचेंज किया है ना, तो R1 को किसके साथ इंटरचेंज किया हमने, R2 के साथ। तो सिंबॉलिकली हमें पहले क्या करना होता है, मेंशन करना होता है कि हम कौन सी रो को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो सिंबली हमने क्या लिख दिया क्या, R1 और R2 को हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इनको इंटरचेंज कर देंगे। 1 2 3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या चले जाएगा, 4 5 6 1 2 3 1 9 एंड 0। तो हमारे पास क्या है, हमने क्या करा, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज़, हमने कोई दो रो ली और उनका क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब ज़रूरी नहीं मैं क्या करूँ, R1 और R2 को ही इंटरचेंज करूँ, मैं R1 और R3 को भी ले सकता था, या फिर R2 और R3 को भी ले सकता था, बट क्या होगा, एक टाइम पे एक ही होगा, यानी कि रो को चेंज किया तो रो को ही चेंज करूँगा। अब हमने बात कर ली क्या, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, दो रो की बात कर ली, ये क्या हो गई, पहली एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया। अब इसके बाद दूसरा जो है, दूसरा इसी के सिमिलर है, बस क्या हो जाता है, वहाँ पे कॉलम आ जाता है, इसलिए वो क्या हो गया, सेकंड हो गया। इसी तरीके से हमें क्या करना है, छः करना है। इसलिए मैंने बोला था क्या, अगर एक रो कर लोगे तो कॉलम का वैसे ही हो जाएगा। मैट्रिक्स के केस में जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो एक बार में एक ही चलता है, यानी कि अगर मैं शुरू से R1 लेके चलाऊँ तो, शुरू से रो लेके चलाऊँ तो लास्ट तक क्या चलेगी, रो ही चलेगी। जैसे ये ए मैट्रिक्स थी मेरे पास, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, कहने का मतलब क्या है, तो मैंने R1 चेंजेस टू R2 लगाया, यानी कि मैंने शुरू में क्या किया, रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ ना, यानी कि रो पे क्या लगा रहा हूँ, ऑपरेशन लगाना शुरू किया। तो मैं अगले स्टेप में, मान लो ये आया, अब मुझे मन किया क्या कि मैं C1 चेंजेस टू इंटरचेंजेस टू C2 कर दूँ, इसी में, इसी स्टेप के बाद, यानी कि मैं कॉलम पे चले गए, यानी कि कॉलम को इंटरचेंज करने लगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं कर सकते हम मैट्रिक्स के केस में जब हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो इसमें होगा क्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबल है कि अगले के स्टेप में, सपोज दैट मुझे और इसमें क्या करने, चेंजेस लाने हैं, तो अगले के स्टेप में क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं सिर्फ और सिर्फ रो में ही इंटरचेंज कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसमें रो में।
अब सपोज दैट मुझे क्या करना है, इन दो को इंटरचेंज करना है, यानी आर टू और आर थ्री को। तो अगले स्टेप में मैं मैंशन कर दूंगा आर टू इंटरचेंजेस विद आर थ्री, और इंटरचेंज करके दोबारा मैट्रिक्स बना दूंगा। तो यही है, यही समझाना चाह रहा था क्या, कि अगर हम मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, शुरू में हमने क्या करा, रो का यूज़ किया, तो हम रो का ही यूज़ करेंगे, हम कॉलम में नहीं जा सकते। कॉलम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, शुरू से ही कॉलम का यूज़ करना पड़ेगा, जो अभी हम करके दिखाएंगे। तो हमने क्या किया, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज़ किया, अब इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम कर देते हैं। इसी मैट्रिक्स की बात करता हूँ, अब मुझे क्या चाहिए, सी वन इंटरचेंजेस टू सी टू चाहिए। तो मैं यहाँ पर मैंशन कर दूंगा सी वन, दोनों साइड को एरो जाएगा, सी वन और सी टू क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, यानी कि ये कॉलम, ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, और ये क्या है, दूसरा कॉलम है, और ये तीसरा कॉलम। तो C1 और C2 यानी ये दो कॉलम है, ये क्या होंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो पहला क्या आ जाएगा, 2, 5, 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, 4, 1, और ये इसमें कोई इंटरचेंज नहीं किया है, तो ये क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। इस बात का ध्यान रखना, जिस रो की या कॉलम की हम बात नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे कहने का मतलब, जिसमें हमने ऑपरेशन नहीं लगाया, वो एज इट इज़ उतरेगा। यहाँ पे हमने R1 और R2 में चेंजेस किए, दोनों चेंज हो गए, बट 190 सेम रहेगा। यहाँ पे हमने C1 और C2 में इंटरचेंज किया, C1 और C2 अलग अलग हो गए, मतलब इंटरचेंज हो गए, बट जो कॉलम, तीसरी कॉलम है, वो एज इट इज़ उतरेगी, एज इट इज़ उतरेगी। अब जो पहली प्रॉपर्टी है हमारी, यानी कि जो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है, वो क्या हो गया, क्लियर हो गया थोड़ा बहुत, क्या, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज एंड कॉलम। अगर नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चंस कहाँ अप्लाई होते हैं, यानी कि इनका ये हम चेंज क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई कि ये मैट्रिक्स जो हमें गिवन थी पहले से, अभी तक तो नहीं कर रहे थे, अब यहाँ पे क्यों ज़रूरत पड़ गई कि हमें इंटरचेंज करना पड़ रहा है। हमें ये ध्यान में रख रहे हैं कि इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज़ और कॉलम हम कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे हम वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इस सब का यूज़, यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ किस में आएगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालने में। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है वो पढ़ना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ये जो हमने पढ़ा, क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, हम कितनी पढ़ेंगे, 6 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अभी 6 ऑपरेशंस पढ़ेंगे, उनका यूज़ करके देखेंगे क्या होता है यूज़। मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ क्या निकालने के लिए होता है, इन्वर्स निकालने के लिए होता है किसी भी मैट्रिक्स का। अब इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, तो वही चीज़ हम करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हमारा क्या, वो पहला ऑपरेशन हमारा क्लियर हो गया, क्या, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज एंड कॉलम। तो इसे नोट करें, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारा सेकंड ऑपरेशन, कभी कभी इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स में, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो दूसरा है हमारे पास ऑपरेशन, उसमें क्या कहता है, क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। नहीं आया समझ में, करके देखते हैं, एग्जांपल से लेते हैं तब और बेटर समझ में आता है। मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है, इसमें मैंने एलिमेंट रख दिए 1√3 2 0 1 4, ये क्या रख दिया मैंने, इसमें एलिमेंट्स रख दिए, मैट्रिक्स बना दी एक। अब मैट्रिक्स बना दी, अब ये क्या कह रहा है, अब देखते हैं क्या कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, पहले हम कॉलम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसे छोड़ दो, सिर्फ रो पढ़ते हैं। क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, यानी कि मल्टीप्लीकेशन करना है हमें किसी भी रो में, किसी भी रो में बाय अ नॉन जीरो नंबर। कहने का मतलब, मेरे पास, मैं R1 ले लेता हूँ, इसमें मैं किसी भी नंबर का, यानी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ इस R1 के एलिमेंट्स में। यह है इस पूरी लाइन का मतलब, अगर हम क्या हटा दें, कॉलम हटा दें। कॉलम की बात बगल में करेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले हम समझते हैं किसका, रो का। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ली मैंने, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं इसमें मैं मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ किसी भी नॉन जीरो नंबर का। नॉन जीरो यानी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकता हूँ, जीरो नहीं लूँगा। तो ये मतलब है इसका। अब मैंने क्या करा, इसमें मैं अप्लाई करके देखता हूँ इस बात को, यानी कि ये जो ऑपरेशन कह रहा है इसको अप्लाई करके देखता हूँ इस मैट्रिक्स में। R1 में क्या करा, यानी कि रो 1 में जो भी एलिमेंट है उनको क्या करूँगा मैं, सपोज दैट 1/7 R1 के साथ क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है, मेरे पास नॉन जीरो नंबर है, इसका क्या कर दिया मैंने, सिर्फ और सिर्फ R1 में करा है, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है R1 में। और एक चीज़ बता दूँ, क्या कन्फ्यूज़न ना रहे, क्या कि मैंने शुरू में बताया था, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज दैट ये मैट्रिक्स है, इसमें स्केलर का मल्टीप्लीकेशन होता है, मान लो KA, तो वो क्या होता है, हर एक एलिमेंट के साथ जाता है,
जीरो के टू के ऐसा होता है हमारे पास, हर एक एलिमेंट के साथ जाता है। बट यहाँ पे इस ऑपरेशन में हमने पहले ही डिफाइन कर दिया क्या सिर्फ और सिर्फ आर वन में मल्टीप्लाई होगा, कोई भी स्केलर, स्केलर कहें या नॉन जीरो नंबर कहें, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा उसी रो में होगा, ना कि जैसा मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था क्या हर एक एलिमेंट के साथ क्या चले जाता है मल्टीप्लीकेशन में चले जाता है। तो यही डिफरेंस है इसमें क्या कि हमने क्या डिफाइन कर देते हैं, हम शुरू में ही डिफाइन करना ज़रूरी थे। और ये होता है इसका सिंबल क्या, हमने कोई भी रो ली आर वन आर टू भी ले सकता था, उसमें हमने क्या ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगाया कि 1/7 ऑफ आर वन करना है, यानी कि आर वन वाली रो में जो भी एलिमेंट है उनमें क्या करूँगा मैं 1/7 से डिवाइड दे दूंगा हर एक एलिमेंट में। तो मेरे पास जो अब मैट्रिक्स आएगी ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, आर वन में लगाया था हमने 1/7 हो जाएगा, यानी ये एलिमेंट को क्या करना है 1/7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 1/7 ऐसे ही अंडर रूट 3 है ये हो जाएगा √3/7, 2 है ये हो जाएगा 2/7, और हमने यहाँ पे R2 की बात ही नहीं करी थी, यानी कि R2 में हमने कोई ऑपरेशन ही नहीं लगाया, तो वो क्या होंगे एज इट इज उतर जाएंगे वो 0, 1, 4। तो हमारे पास क्या आ गई, ये ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स आ गई, यानी कि ये जो दूसरा ऑपरेशन ये क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय अ नॉन जीरो नंबर। तो जहां तक है ये समझ में आ चुका होगा इतना, तो जहां तक है इतना ये समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, कॉलम की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि लिखा है ना रो और कॉलम, वो तो मैं समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ कॉलम हटा दे रहा हूँ। तो हमने अभी तक कितने ऑपरेशन कर लिए, पहले वाले में 2 कर चुके हैं, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम उसी के बगल में 2 हो गए थे। ये वाला क्या है तीसरा, क्या मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय अ नॉन जीरो नंबर, ये तीसरा है, सेपरेट है ना, सिर्फ रो की बात हो रही है। अब जो चौथा हम बात करेंगे वो किसकी, अब हम क्या लेंगे कॉलम लेंगे और रो को क्या कर दो हटा दो, रो हट जाएगी। अब रो की बात नहीं करेंगे, अब बात करते हैं किसकी कॉलम की। अब रीड करते हैं क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर, हमने रो में लगा दिया यानी कि रो में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा ही सेम तरीका हम किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कॉलम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर फिर बता दूं मैट्रिक्स में अगर शुरू से हमने क्या किया रो में ही ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आगे भी रो में ही करेंगे, अगर क्लियर नहीं हो रहा तो क्वेश्चन दोबारा करेंगे, क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। अभी जहां तक है क्लियर हो चुका होगा इतनी बात क्या कि हमें शुरू से क्या करना है रो में ही ऑपरेशन लगाना है अगर हमने रो लिया। अब अगर मैं यहां पे कॉलम लूं और कॉलम का आगे फर्दर ऑपरेशन करूँ तो सिर्फ और सिर्फ क्या लूँगा कॉलम ही लूँगा। तो करके देखते हैं कि पहले क्या मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर, तो यही ऑपरेशन मैं किसके लिए लगा देता हूँ कॉलम के लिए लगा देता हूँ। क्या इसी रो में मैंने क्या कर दिया C1 में, यानी कि C1 वाले में C1 कॉलम में क्या कर देता हूँ मैं 1/7 ऑफ C2 कर देता हूँ, यानी कि C1 का कॉलम में यानी कि जिसमें एलिमेंट क्या हमारे पास 1 और 0 है उसमें क्या दे देंगे हम, सॉरी यहाँ पे C2 कर दिया, हमें क्या लेना पड़ेगा C1 ही लेना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना हम चेंज किस में कर रहे हैं C1 में चेंज कर रहे हैं, और डिवाइड किस में करना पड़ेगा C1 में ही करना पड़ेगा क्योंकि उसी में क्या करना है हमें चेंजेस लाने, तो C2 नहीं लिख सकते। तो हमने क्या करा अब A क्या हो जाएगा हमारे पास C1 कॉलम की बात हो रही है, C1 कॉलम की बात हो रही है यानी C1 में क्या करना है हमें 1/7 ऑफ C1 कर देना है। C1 में पहला एलिमेंट क्या है 1/7, दूसरा एलिमेंट क्या है 0, 0/7, 0, बाकी की हमने क्या करी बात नहीं करी, तो ये क्या होंगे बात नहीं करी क्या, कहने का मतलब हमने उसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो √3, 1, 2 और 4 तो ये क्या रहेंगे एज इट इज़ रहेंगे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि हम इतने में ला के इसको ख़त्म कर दें, यानी कि एक बार ऑपरेशन लगाया ख़त्म हो गया, बस एक बार रो में ऑपरेशन लगाया ख़त्म हो गया, हम यहाँ पर फर्दर दूसरी रो में भी कुछ ऑपरेशन लगा सकते थे। सपोज दैट मैं यहाँ पर R2 में लगा था, R2 लिख देता हूँ, R2 1/2 ऑफ R2, यानी कि अगले स्टेप में मैं क्या करता R2 में चेंजेस लाता, R2 में चेंजेस लाता और उसे लिख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं ये नहीं लिख सकता कि C1 में चेंजेस कर दूँ, शुरू में मैं R1 लेके चला हूँ यहाँ पे C1 में चेंजेस कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं इसमें दोबारा लगा के देखता हूँ, यानी कि इसी मैट्रिक्स में हमने क्या किया था शुरू में क्या लिया था कॉलम लिया था, अब मुझे चाहिए क्या मैं C2 में क्या कर दूँ चेंजेस कर दूँ, और चेंज इसमें होगा ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो आई ना ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स आई, अब जो ऑपरेशन लगेगा वो इसमें लगेगा ना कि शुरू वाले क्वेश्चन में, इस बात का ध्यान रखना। अब सपोज दैट C2 में मैंने क्या लगा दिया 1/2 ऑफ C2 लगा दिया,
यानी सी टू कॉलम में। अब इसकी बात होगी जो ट्रांसफॉर्म होके आ गया है, पहला ऑपरेशन लगाने के बाद जो ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स मिली है, अगर मुझे सपोज दैट दूसरा ऑपरेशन लगाना है, ये दूसरा ऑपरेशन लगाना है, तो किस में लगा था? इसी में लगा था, ट्रांसफॉर्म्ड होके जो मिला है। तो सी टू कितना हो जाएगा? ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ सी टू है, तो पहले वाले तो एज इट इज रहेंगे 1/7 अंडर रूट 3 2, इसमें क्या हो जाएगा 0, 1/2 और 4/2 कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉलम में लगाना था ना कि रो में, कॉलम में लगाना था, कॉलम की बात हो रही है। तो C1 और C3 कॉलम तो एज इट इज रहेंगे, यानी 1/7 0 2 4, C2 में लगना है यानी कि अंडर रूट 3/2 और ये कितना होगा 1/2। तो इस बात का ध्यान देना कि हमने लिया क्या है, कॉलम लिया या रो लिया। तो ये था हमारा क्या, सेकंड ऑपरेशन, जहाँ तक है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड ऑपरेशन की, अब बात करते हैं तीसरे ऑपरेशन की। तीसरा ऑपरेशन है हमारे पास, बट उससे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, हमने अभी दो ऑपरेशन क्या करे, छोटा सा लिख दूंगा यहाँ पे। क्या पहला क्या था, हमने क्या कर सकते थे, रो को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते थे। रो को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, सपोज दैट R1 चेंजेस टू R2, और ऐसा ही किसके लिए, कॉलम के लिए, सपोज दैट C1 इंटरचेंजेस टू C2। तो पहला हो गया हमारा इंटरचेंजेस ऑफ एनी टू रोज और कॉलम। उसके बाद हमने सेकेंड क्या पढ़ा कि हम किसी भी रो या कॉलम में, किसी भी रो या कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा ही किसके लिए होता है, कॉलम के लिए भी होता है। सपोज दैट मैंने कोई R1 ली, उसमें क्या करा 1/7 ऑफ R1 कर दिया, उसी रो में क्या कर दिया, ये इंटरचेंज करा, ये ऑपरेशन लगाया कि मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, किसी नॉन जीरो नंबर के साथ क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा ही क्या कॉलम के लिए भी, C1 सपोज दैट 1/7 ऑफ C1। तो ये कुल मिला के कितने हो गए हमारे पास, चार ऑपरेशंस हो गए, यानी कि हमने अभी तक कितने कर लिए, चार कर लिए, अब बचे कितने, दो। तो उसमें भी सेम तरीका होता है, अगर हमने रो का समझ लिया तो कॉलम इजीली हो जाएगा। तो बात करते हैं किसकी, तीसरे वाले ऑपरेशन की। तो तीसरा जो हमारे पास ऑपरेशन है वो क्या कहता है, इसमें भी हम क्या करेंगे, रो और कॉलम लिखा हुआ है, तो सिर्फ पहले क्या करेंगे, रो कंसिडर करते हैं, पहले रो का सीखते हैं फिर कॉलम का अपने आप आ जाएगा ईजिली। तो मैं पढ़ता हूँ क्या, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, मैट्रिक्स पहले सबसे पहले लिख लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स लिखी 1 2 4 1 9 1 1 0 1, ये मैंने क्या लिखी, एक 3x3 की कोई मैट्रिक्स लिख दी, मैट्रिक्स लिखी। अब रीड करते हैं, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। कहने का मतलब है, मैं सीधे इसका ऑपरेशन करके दिखा देता हूँ और इजीली होगा समझने के लिए। मैंने क्या किया, R1 रो ली, R1 रो में क्या कर रहा हूँ, पहली वाली रो में क्या कर रहा हूँ, चेंजेस ला रहा हूँ। R1 में मैंने क्या ऑपरेशन लगाया कि R1 प्लस 2 ऑफ R2 कर दिया। कहने का मतलब है, अब देखते हैं क्या बात कर रहे हैं, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, यानी कि किसी भी रो में हम एडिशन कर सकते हैं, किसी भी रो के एलिमेंट में, किसी भी रो के एलिमेंट, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो की बात करेंगे तो एलिमेंट होगा ही होगा, एलिमेंट में ही हमें क्या करने होंगे, चेंजेस करने होंगे। तो हम किसी भी रो के एलिमेंट में एडिशन कर सकते हैं, अब किसका एडिशन करना है वो देखते हैं, एडिशन किसका करना है, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहने का मतलब, इधर एक जैसे, यानी अगर यहाँ 1 है तो ये करस्पॉन्डिंग हुआ इसके 1, 2 यहाँ है तो इसके करस्पॉन्डिंग 9 हुआ, 4 है तो इसके करस्पॉन्डिंग 1 हुआ, इसी तरीके से क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात होगी। किसका एडिशन कर सकते हैं, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर, और वो दूसरी रो को हम किसी भी नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब, मैंने R1 रो ली, R1 रो में मैंने एडिशन किया, बोल रहा था ना द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, तो मैंने R1 ली, एडिशन किया, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, दूसरी रो ले ली मैंने, R2 ले ली, दूसरी रो ले ली, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन होगा, बट एक चीज़ होगी क्या, वो जो करस्पॉन्डिंग रो ले रहे हैं हम, उसके जो भी एलिमेंट्स हमारे पास 1 9 1, उसको हमें किसी ना किसी नॉन जीरो नंबर के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, R1 रो में हमने क्या करा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिए किसके, दूसरी रो के,
आर टू के, और उस आर टू को क्या करा, किसी नॉन जीरो नंबर, यहाँ पे मैंने टू ले लिया, किसी नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मैं ऐड कर सकता हूँ किस में, दोबारा से आर वन में। अब पूरी बात को पढ़ते हैं। द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर, मल्टीप्लाई करा और उसके बाद रखा। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या होगा, चेंजेस क्या आएंगे। ए इज इक्वल्स टू, और इसमें कैलकुलेशन का ध्यान हमेशा रखना, कैलकुलेशन कर लो रफ में, तभी जाके क्या करना ट्रांसफॉर्म करना, नहीं तो हमेशा क्या रहेगी, गलत हो जाएगा। आर वन रो लिए हमने, आर वन रो क्या है मेरे पास, वन टू फोर है, तो मैं क्या करूँगा आर वन की यहाँ पे क्या रखूँगा, वन रखूँगा। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, वन के लिए, वन प्लस कितना करना है, टू मल्टीप्लाइड बाय आर टू, यानी कि ये वन लिया तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या लेंगे आर टू में, वन ही लेंगे, तो वन प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय वन, तो ये हो गया वन प्लस टू, वन जा टू, टू प्लस वन थ्री, तो मेरे पास क्या आया वन के लिए, सॉरी एक मिनट, यानी कि आर वन में, यानी कि इस वन की जगह पे अब क्या आ जाएगा मेरे पास, थ्री आ जाएगा। क्या ऑपरेशन लगा के, ये वाला ऑपरेशन लगा के। अब ऐसी क्या रखता हूँ, इस टू के लिए रखता हूँ, इस टू के लिए रखता हूँ, इस आर वन के यानी कि इस रो के दूसरे एलिमेंट में जो टू है हमारे पास एलिमेंट है, उसकी जगह पे क्या आएगा, यानी कि आर वन टू चेंजेस टू टू, आर वन प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय आर टू, और दूसरी रो में कौन सा एलिमेंट उठाएंगे, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग क्या है, नाइन है, तो टू मल्टीप्लाइड बाय नाइन, तो ये हो गया टू प्लस नाइन, टू जाए एटीन, एटीन प्लस टू कितना हो गया ट्वेंटी, यानी कि टू की जगह पे, इस टू की जगह पे कितना आ सकता है, ट्वेंटी आएगा। तो सबसे पहले लिख देते हैं वन की जगह पे कितना आएगा, क्या चेंजेस आया, थ्री आया, और टू की जगह पे क्या चेंजेस आया, 20 है। ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने, ऑपरेशन यूज़ किया और हमें ये मैट्रिक्स मिल गई, कहने का मतलब ये है चेंजेस का मतलब। अब क्या करना है, बचा हमारे पास क्या, एक और एलिमेंट बचा है 4, तो 4 की जगह पे क्या आएगा, सेम तरीका 4 लिख देंगे, प्लस कितना कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई, दूसरी रो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1 है, 4 की जगह नीचे जस्ट क्या है, 1 है, तो ये क्या 4 प्लस 2 कितना 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 की जगह पे 6। तो ऑपरेशन लगाने के बाद, यानी कि R1 में ये ऑपरेशन लगाने के बाद क्या हुआ, सारे एलिमेंट्स मिल गए इन सब की जगह पे, यानी कि 1 टू 4 की जगह पे 326। अब बात करते हैं किसकी, बाकी बचे दो की, बाकी में तो हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया ना, यहाँ पे क्या हुआ 2R2 हुआ, बट ये किसके लिए चेंजेस किया, सिर्फ R1 के लिए चेंज किया, ये यहाँ पे 2R2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने R2 की बात ही नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ किसकी करी है, R1 की बात करी है, R1 में हमने क्या लगाया, ऑपरेशन लगाया, तो इससे कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पे हमने क्या करा 2R2 किया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करके दोबारा वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमने R1 की बात करी है तो सिर्फ R1 में हमने चेंजेस लगाए, ऑपरेशन लगाया, एलिमेंट रख दिए, अब ये क्या होंगे, एज इट इज़ रहेंगे 191101। तो ट्रांसफॉर्म्ड जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई वो क्या आ गई, ये आ गई, कौन सा ऑपरेशन लगाने के बाद, ये ऑपरेशन लगाने के बाद, क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ R1 में चेंजेस रखे थे, और क्या कहता था, क्या एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी रो में हम एडिशन कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग रो का, करस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट का, बट वो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर, किसी ना किसी नॉन जीरो नंबर के साथ क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर इन जनरल बात करूँ, यानी कि सभी के लिए क्या हो सकता है, इसमें आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के ऑफ आर जे, यानी कि जो दूसरी रो लेनी है हमें, दूसरी लेनी है ना, नेक्स्ट रो लेनी है, पहली रो तो ले नहीं सकते, पहली रो में हमें चेंजेस करना है और प्लस कर देना है किसका, दूसरी रो को, और उसे क्या करना होगा, किसी ना किसी स्केलर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, स्केलर या नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर बोलेंगे क्योंकि जीरो का यूज़ हम नहीं कर सकते। ये तो हो गई इन जनरल बात, किसके लिए, रो के लिए, जहाँ तक समझ में आ चुका होगा, एग्जाम्पल करके भी देख लिया हमने। अब जरूर एक और चीज़ बताना है, क्या हमने R1 में चेंजेस किए, ऐसा नहीं कि हम R2 और R3 में नहीं कर सकते थे, उसमें भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है हमें करना किस में। हमने R1 का सीख लिया, ऐसा ही हम क्या कर सकते हैं, R2 के लिए भी कर सकते थे, करके एक बार देख लेते हैं, देखते नहीं है, जस्ट बताता हूँ। सपोज दैट R2 में क्या चेंजेस होगा, फिर मैंने किया R2 प्लस ऑफ टू ऑफ, मैं रो कुछ भी उठा सकता हूँ, R1 या R3, R2 दोबारा नहीं उठाऊंगा, R1 या R3, तो सपोज दैट मैंने R1 उठा दी, अब ये ऑपरेशन लगाओ, जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंजेस आएंगे, R2 में चेंजेस आएंगे। तो इस तरीके से हमें क्या कर सकते हैं, किसी भी रो में, एक टाइम पे रो की ही बात होगी, किसी भी रो में क्या कर सकते हैं, हम ये वाला ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करा, रो की बात कर ली, अब हमें कॉलम की भी बात कर लेते हैं इसी मैट्रिक्स में।
कॉलम के लिए भी क्या होगा, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। रो को हटाते हैं, कॉलम के लिए रीड करते हैं। द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम, किसी भी कॉलम में हम एडिशन, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम, यानी कि किसी भी कॉलम के एलिमेंट में हम एडिशन कर सकते हैं। किसका? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम, कॉलम का कॉलम में चेंजेस कर रहे हैं तो कॉलम की ही बात होगी, कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। और वो जो दूसरा कॉलम हम ऐड कर रहे हैं वो भी क्या होगा, किसी ना किसी का नॉन जीरो नंबर से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाइड होना चाहिए। अब सपोज दैट मैंने इसमें सी वन कॉलम लिया, सी वन में मुझे चेंजेस करने हैं सी वन प्लस टू ऑफ सी थ्री, यही तो है क्या, सी वन में चेंजेस करने हैं, सी वन प्लस कर दिया, एडिशन कर दिया है इसी कॉलम में, किसका, दूसरे कॉलम का, तीसरे कॉलम का, सॉरी तीसरे कॉलम का, बट वो क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई होके आएगा, टू से मल्टीप्लाई होके आएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा। तो इसकी जो ट्रांसफॉर्म्ड आएगी वो क्या आएगी, C1 में चेंजेस कर रहे हैं तो यानी कि सबसे पहला 1 की जगह पे देखते हैं क्या आएगा, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय C3 क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 1 का, 4 होगा, 4, 1 प्लस 4 टू जाइड यानी कि 9, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। कॉलम, अब दूसरा एलिमेंट इसी कॉलम पे यानी C1 में चेंजेस कर रहे हैं ना, तो दूसरा लेंगे 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय C3, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, 1 ही है, 1, तो 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 3 आ गया। अब दोबारा से 1 है तो इसकी जगह पे 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय C3 कितना है, यहाँ पे भी 1 है तो 1 प्लस 2 ये भी कितना आ गया 3 आ गया। अब सिर्फ C1 की बात करी थी तो ये दोनों क्या होंगे, एज इट इज उतरेंगे 2 9 0 4 1 1। और फिर बता दूँ ज़रूरी नहीं क्या कि हम सिर्फ C1 में ऑपरेशन लगाएं, वो हमारी मर्जी है, हम C2 में भी लगा सकते थे, C3 में भी लगा सकते थे। अब वो क्यों और कहाँ कैसे लगाए जाते हैं वो हम किस में देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, इनका यूज़ देखेंगे। अभी तक तो जस्ट हम बता रहा हूँ क्या कि ये होते क्या हैं, ये जो छः ऑपरेशन कर लिए हमने, छः कर लिए, ये छः ऑपरेशन थे क्या, तो पहला हमने क्या किया था, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज एंड कॉलम, और जो दूसरा था क्या कि हम किसी भी रो या कॉलम को क्या कर सकते हैं, किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, के हो सकता है वो। और जो तीसरा करा हमने क्या, हम कोई रो उठा सकते हैं, कोई रो उठा सकते हैं और दूसरी रो, ये कुछ भी हो सकती है, उसका एडिशन कर सकते हैं, बट वो एडिशन क्या होगा, पहले नॉन जीरो नंबर के साथ एडिशन करेंगे दूसरी रो, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे पहली रो, और ऐसा ही सेम चीज़ किसके लिए, कॉलम के लिए। तो जहाँ तक है ये छः के छः ऑपरेशंस क्या हैं, क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अगला टॉपिक जो है हमारा वो करना है हमें क्या, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। उसके बाद हमें पता चलेगा, अगली वीडियो में पता चलेगा क्या कि इनका यूज़ था क्या, यानी कि कैसे हम इनका यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन में इम्प्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती क्या है। अगर मेरे पास ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, ऑफ ऑर्डर एम, यानी कि इन्वर्टिबल जो मैट्रिक्स है, यानी कि जो इन्वर्स निकल सकता है किसी भी मैट्रिक्स का, वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही निकल सकता है, बाकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए नहीं निकलेगा। अब हमने क्या ले लिया, इफ़ आई हैव ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, किस ऑर्डर की, एम ऑर्डर की, तो अगर बी मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट कर रही है, इफ़ बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, एस क्यू लिख देता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, और एक दूसरी मैट्रिक्स बी भी एग्जिस्ट कर रही है जो कि स्क्वायर है, वो भी स्क्वायर है, ऑफ ऑर्डर कितना, एन, तो ये क्या कहता है, देन ए बी इज इक्वल्स टू बी आई, सॉरी बी ए इज इक्वल्स टू आई, तो हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई क्या, ए भी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, और अब बी भी मिल रही है, अगर एग्जिस्ट करता है बी भी क्या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, देन ये कंडीशन दे देता है क्या कि अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करूँ, ए और बी को क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, सेम ऑर्डर की है तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मुझे क्या मिल जाए, आई मिल जाए, आई कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर मैं सपोज दैट स्क्वायर मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर टू लेता हूँ, यानी कि ए बी भी दो ऑर्डर के और बी ए भी क्या दो ऑर्डर के, तो जो भी आई मिलेगा वो भी क्या होगा दूसरे ऑर्डर का ही मिलना चाहिए। अगर मुझे मिलता है, सपोज दैट मिलता है, वो आई कुछ भी हो सकता है, यानी कि दूसरे ऑर्डर का भी हो सकता है और तीसरे ऑर्डर का भी हो सकता है, डिपेंड किस पे करता है, हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि ए के है दो का है या तीन का है, ठीक है। तो अगर सपोज दैट वो सब छोड़ो, अब देखते हैं क्या कंडीशन क्या है हमारी, ए बी है, यानी ए बी को हमने क्या करा है दो स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑफ ऑर्डर टू हमने मल्टीप्लाई किया, हमें आई मिल जाए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया है क्या, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अगर हमें मिल जाता है और इसका जस्ट उल्टा है, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, यानी कि बी ए, यानी कि हमने क्या कर दी पोजीशन चेंज कर दी। और मैंने शुरू में बताया था क्या, जब हमने क्या करी थी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज करी थी, क्या कहा था कि ज़रूरी नहीं मल्टीप्लिकेशन क्या हो कम्यूटेटिव हो हर बार, हर बार ज़रूरी नहीं मल्टीप्लिकेशन क्या हो कम्यूटेटिव हो। कम्यूटेटिव कहने का मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हो हर बार, ऐसा ज़रूरी नहीं, किसी किसी केस में हो सकता है। और वो केस कहाँ है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हो सकता है मैंने कहा था, तो यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि होगा तभी तो हमें आई मिल सकता है। यानी कि अगर ए बी सपोज दैट मेरे पास 1001 आ रहा है, ए और बी कुछ भी मैट्रिक्स हो सकती है, और बी ए भी क्या आ रहा है 101 ही आना है, 1001 ही आना है, ये आ गया सपोज दैट आ गया, तो क्या होगा देन, ये कंडीशन अगर हमारी फुलफिल हो जाती है, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है, अभी करके देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे, अगर समझ नहीं आ रहा है फुलफिल हो जाती है देन क्या कहेंगे हम, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, तब हम क्या कहेंगे बी क्या है ए का क्या है इनवर्स है, ए बी इज इक्वल्स टू आई दे रहा है, देन बी इज कॉल्ड, बी क्या है सेकेंड पोजिशन पर, तो बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, हम ये कहेंगे। और दूसरा जो कंडीशन यानी बी ए इज इक्वल्स टू ए है, तो उसमें क्या कहेंगे हम, देन ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ सॉरी बी, यानी कि कंडीशन तो दोनों आएंगी ही आएंगी मेरे पास, दोनों आएंगी ही आएंगी, क्या ए बी भी आई देगा और बी ए भी आई देगा, तो दोनों क्या होगा, यानी कि बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, तो मैं क्या कह सकता हूँ बी भी क्या होगा ए का इनवर्स होगा और ए भी क्या होगा बी का इनवर्स होगा, यानी दोनों वाइस वर्सा होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होने चाहिए, और ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होगा तो वो क्या देना चाहिए आई ही देना चाहिए, अगर ऐसा दे देता है तो यानी कि बी क्या होगा ए का इनवर्स होगा और ए क्या होगा बी का इनवर्स होगा, दोनों क्या होंगे वाइस वर्सा, यानी दोनों क्या होंगे एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ये एक क्या है इंपॉर्टेंट नोट है। अब ये इस पूरी बात को जो मैंने कहा, क्या अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एम की, बी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन की, अगर एग्जिस्ट करती है और मुझे ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, क्या ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई दे देता है, तो मैं क्या कहूँगा बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए या फिर ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी, दोनों बातें मैं कह सकता हूँ, तो ये क्या कहलाता है इनवर्स, तो ये क्या कहलाती है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। हमें यही करना था कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है, हमारे पास क्या कंडीशन आनी चाहिए, ये कंडीशन आनी चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं, सीधे एग्जांपल करते हैं, तो मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ ए जो कि है 2, 3, 1 एंड 2, और एक बी मैट्रिक्स लेता हूँ बी इज इक्वल्स टू 2, -3, -1 और 2, ए और बी मिल गया, और इन्वर्टिबल होने के लिए इसमें क्या कह रहे हैं हमें, ए और बी भी टू मैट्रिसेस और हमसे क्या कह रहे हैं क्या है? दोनों क्या होंगे इन्वर्स होंगे या नहीं होंगे एक दूसरे के। अब एक दूसरे के इन्वर्स होने के लिए अभी अभी हमने क्या किया कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आई होना चाहिए, यानी कि ये कंडीशन क्या होनी चाहिए फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के क्या है इन्वर्टिबल है, यानी कि ये दोनों क्या एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो हमें क्या देती दो मैट्रिक्स देती ऑफ ऑर्डर कितना 2 और 2 और स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका हम क्या करते हैं पहले ए बी निकाल के देखते हैं, ए बी क्या होगा सेम हमें क्या करना है सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 2 जा 4 -3 -6 +6 2 - 2 - करेंगे प्लस हो जाएगा -3 + 2 2 जा 4 ये माइनस ही रहेगा। तो ए बी हमारे पास क्या आ रहा है ए बी हमारे पास कितना आ रहा है 4 - 3 1 - 6 + 6 0 2 - 2 0 4 - 3 = 1 यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू आई तो आ गया ए बी इज इक्वल्स टू आई आ गया। अब हमें देखना है ये कम्यूटेटिव है या नहीं है,
अब ज़रूरी नहीं है हमें कम्यूटेटिव वर्ड यूज़ करें वहाँ पे, बस हमें क्या करना है बी ए निकाल के देखना है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था हर मैट्रिक्स कम्यूटेटिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे सेलेक्टेड केसेस मिलेंगे, हमें सेलेक्टेड केसेस मिलेंगे जो क्या होंगे आपस में कम्यूटेटिव होंगे। ए बी इज इक्वल्स टू ये दे रहा है तो बी ए भी क्या देना चाहिए, यही देना चाहिए, यानी कि आई देना चाहिए, तभी तो हम क्या कहेंगे दोनों एक दूसरे के क्या हैं इनवर्स हैं। तो बी ए निकालने के लिए बी ए भी इसमें क्या आ रहा है, हम डायरेक्ट कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन ही करना है, बी ए भी इसमें क्या आ रहा है अकॉर्डिंग टू एन सी आर टी 1001 ही आ रहा है। तो यानी कि दोनों क्या है आपस में एक तो कम्यूटेटिव है पहली बात, और क्या दे रहे हैं दोनों के दोनों क्या दे रहे हैं एक ही वैल्यू दे रहे हैं, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहे हैं ऑफ ऑर्डर कितना 2। तो हम अब क्या कह सकते हैं ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के इनवर्स हैं। इस केस के लिए बोलूँ तो बी इज़ इनवर्स ऑफ ए, उसको इसके लिए बोलूँ तो ए इज़ इनवर्स ऑफ बी। तो क्या है ये दोनों क्या हैं मैट्रिक्स क्या हैं एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो ये दोनों क्या होंगी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कहलाएंगे। तो यही हमें पढ़ना था इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी बता देता हूँ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की है, यहीं पे कर लेते हैं क्या, यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या है कि जो भी मैट्रिक्स होगी मेरे पास, ये ए मैट्रिक्स है, इसका जो भी इन्वर्स होगा वो क्या होगा यूनिक होगा अपने आप में। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स करना चाहिए था वैसे, इन्वर्स यानी कि मैट्रिक्स का जो भी इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा, यानी कि अपने आप में अलग होगा, उसके जैसा और कोई नहीं हो सकता है। यानी कि अगर ए मैट्रिक्स का इन्वर्स बी है तो ए मैट्रिक्स का कोई और मैट्रिक्स लिख दूंगा उठा के वो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या कि कंडीशन आ गई हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अब बी के अलावा ए का और कोई इन्वर्स नहीं होगा। यही होता है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी एक ही इन्वर्स होगा, ए का भी यही इन्वर्स है यानी बी है, और बी का भी क्या इन्वर्स है ये है। तो यही होता है क्या यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। इसके बाद जो हमें अगला टॉपिक करना है वो है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी कि हम निकालेंगे जो हमने अभी एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े, अभी थोड़ी देर पहले हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े और अब हमने क्या पढ़ दिया इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये तो बात थी क्या इन्वर्स है या नहीं है वो चेक करना। अब अगर मेरे पास सपोज दैट ए मैट्रिक्स दिए, मेरे पास सपोज दैट ए मैट्रिक्स दी क्या है यही मान लेते हैं, और मुझे बी नहीं दिया होता तो मैं इस ए का इन्वर्स कैसे निकालता। तो वो चीज़ हमें सीखनी है किससे, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके। मैंने बताया था एलिमेंट्री ऑपरेशन कहाँ यूज़ करेंगे वो मैं आगे बताऊँगा। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे क्या, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है उसका इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे, और वो हम किस में सीखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। और इस बात को ध्यान रखना क्या किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है यूनिक होता है एकमात्र होता है। तो अगली वीडियो में बात करेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने छह करे थे उससे हम क्या करेंगे इन्वर्स निकालेंगे।